देखिए, लेट्स सी गाइस, तो TU1 TY आपको जो प्रिंटेड मिलेगा, हो सकता है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन मोटा मोटी ही है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। हमने सारे, तो इस बैच के साथ प्रोफेशनल, इसमें देखो 150 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा के रखे थे, वो मैंने आपको दे दिए, लेकिन उसके अलावा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग और मॉडल क्वेश्चंस तो मैं पूरे बैच के साथ ही करवा दूंगा, इसके अलावा भी जो क्वेश्चन है उस पर अपनी मेहनत चलती रहती है, वो मैं आपको देता रहूंगा। क्वेश्चन बैंक तो मिलेगी आपको, लेकिन उसकी वीडियोस की बात कर रहा हूं नाउ। जो बेस्ट कंटेंट है, सटीक कंटेंट है, काम का कंटेंट है, वो पूरा आपको मिलेगा मेरी तरफ से, बिल्कुल चिंता ना करें। और देखो बनाया कितना प्यारा है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है पहले, और उसके बाद में क्वेश्चन है, ठीक है? तो क्वेश्चन का एनालिसिस दिया हुआ है कि भाई एक फर्म है, और फर्म की अपनी पॉलिसी है। क्लाइंट को, कौन से क्लाइंट को, ठीक है, पॉलिसी है। क्लाइंट ने ऑफर किया है ऑडिट, लेकिन जो बंदा आया है वो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है प्रमोटर और मैनेजिंग पार्टनर के बीच में। जो बंदा ऑफर कर रहा है, बहुत फर्म का जो लीडर है, जो मैनेजिंग पार्टनर है, उसके साथ में बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप। इंडिपेंडेंस इश्यूज है, एथिकल इश्यूज है। इसके अलावा सामने वाला के ऊपर बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज चल रहे हैं, इंटीग्रिटी इश्यूज है सामने वाला, रेगुलेटरी इश्यूज, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। इसके बंदे ने रिजाइन मार दिया है, रिजाइन कर दिया है मतलब, और इंटीग्रिटी इश्यूज है, दाल में कुछ काला है सामने वाले में। फीस 25% ज्यादा दे रहा है, क्यों दे रहा है 25% ज्यादा, और दिक्कत वाले मामले मतलब। पार्टनर बोल रहा है ले लो ये असाइनमेंट, ले लेना चाहिए, कर ले। फर्म को बोल रहा है ले लो असाइनमेंट। तो देखो दाल में काला ही काला है सब कुछ, काला ही काला है। एक तो क्लोज रिलेशनशिप है वो प्रॉब्लम है, उसके ऊपर केसेस है वो प्रॉब्लम है, ठीक है? उसके ऑर्डर रिजाइन मारा वो प्रॉब्लम है, वो ज्यादा फीस जबरदस्ती ज्यादा दे रहा वो प्रॉब्लम है, ये सब इंडिकेट कर रहा है उसमें बहुत दिक्कत है। और हमारे पार्टनर में प्रॉब्लम है, हमारा पार्टनर बोलता है ले लो असाइनमेंट। आप आंसर कैसे लिखोगे सुनिए, SQC 1 का आप रेफरेंस, बच्चों को सवाल होता है ना मन में आंसर कैसे लिखना है, SQC 1 का नाम, उसका पूरा नाम लिखोगे, और इन जनरल बताओगे कि SQC 1 क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम मेंटेन करने के बारे में बात करता है, 6 एलिमेंट्स को लेकर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाने के लिए बात करता है, और असाइनमेंट कैसे परफॉर्म करना उसकी बात करता है। आप ऐसा पूरा रेफरेंस देकर लिखोगे, ठीक है? फिर उसके बाद आप कॉन्सेप्ट देखो, बार बार हम ये कॉन्सेप्ट पढ़कर आए, 080 नंबर का कॉन्सेप्ट है, 080 नंबर कॉन्सेप्ट है। लीडर की क्या जिम्मेदारियां है, कल्चर मेंटेन करना, एंगेजमेंट, जो जो मैनेजिंग पार्टनर की जिम्मेदारी है, प्रायोरिटी सेट करना, कमर्शियल्स को बाजू में रखना, हम पढ़कर आई है वो बताना है आपको पूरा। फिर आपको पूरा केस डिस्कस करना है, फिर से आपको पूरा केस डिस्कस करना है, फिर से टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के आंसर्स आपको दिए जाते हैं 0.227, वापस पूरा का पूरा केस डिस्कस करना है कि भाई हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, पूरे के पूरे चीज को फिर से आपको डिस्कस करना है। ये बच्चे नहीं करते और बहुत पछताते हैं। अगर आप मानो नहीं मानो, लेंथ का इंपैक्ट पड़ता है, और जब आप लिखते हो तभी लेंथ का इंपैक्ट पड़ता है, आपको लिखना ही चाहिए, केस पूरा डिस्कस करना चाहिए लाइन बाय लाइन। फिर कंक्लूजन पे आप आओगे, क्लाइंट में बहुत सारे इंटीग्रिटी इश्यूज है, फर्म के साथ में इंडिपेंडेंस इश्यूज है, लीडरशिप इश्यूज है, ठीक है, लीडरशिप इश्यूज है, गलत चीज को हाँ बोल रहा है, ये सब दिखाता है कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम वीक है इनके। हम लोग बोलेंगे अवॉइड एडवाइस टू कंसीडर एंड इंप्रूव अबाउट इश्यूज, उस पर काम करें, इफ नॉट रिजल्ट डोंट एक्सेप्ट, ना करें इसका काम, ये असाइनमेंट ना ले। इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर कंक्लूजन नहीं दिया, हमने कंक्लूजन दिया हुआ है। देखो आंसर जैसा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, सबसे बड़ी गलती होगी जो बच्चे करते हैं, कि आपने नोट्स को एक बार अलग से याद किया, आपने आंसर को अलग से याद किया, सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। जिस चीज को आप बार बार रिवाइज करने वाले हो, उसी को बेस बनाओ, और उसी को बार बार रिवाइज मारो। यू शुड रिवाइज इट अगेन अगेन, उसी को बेस बनाना है और उसी को आपको रिवाइज करना है। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके नोट्स को बेस बनाओ। बच्चे क्या करते हैं, आंसर को अलग से रटने को जाते हैं, और फिर एग्जाम में आंसर कहां से जनरेट करना समझ में नहीं आता। नोट्स के कंटेंट से करो कि क्वेश्चन,
99% आपको आपके नोट्स का जो मुद्दे का पॉइंट, इसलिए मैंने वहां पे कॉन्सेप्ट नंबर दिया, वहां से आपको आंसर जनरेट करना है, यू टू जनरेट आंसर फ्रॉम देयर, ठीक है, उसको यूज करके फिर आपको आंसर बनाना है। कभी कभी 1% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें नया कॉन्सेप्ट होता है ऑल टुगेदर, वो अलग से हमको याद है, उसको मार्क करना पड़ता है। तो यहां पे लीडर बहक गया है, लीडर पगला गया है, लीडर अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, इसके हिसाब से हमको आंसर देना है, ठीक है। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। फिर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू, ये तो बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। एक बैंक है, एक बैंक है, और बैंक ने एक ऑडिट फर्म को अपॉइंट किया कि भैया आओ हमारे बोरोअर का स्टॉक ऑडिट करो। आप लोगों को पता होगा अगर बैंक ने बहुत हेवी अगर करंट एसेट्स पे लोन देके रखा है, सीसी देके रखा है करंट एसेट्स पे, बहुत हेवी 5 करोड़ उसके ऊपर ऐसा बहुत हेवी देके रखा है, तो साल में एक बार बैंक किसी सीए फर्म को अपॉइंट करती कि जाके देख क्या स्टॉक है क्या इतना, डेटर है क्या इतना, उसको स्टॉक ऑडिट बोलते, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, अच्छा खासा पैसा मिल जाए, 20-25 हज़ार रुपए मिल जाते एक दो दिन के काम के। और अगर तुमको ऐसे 10-20 असाइनमेंट मिल जाए, ठीक है, एक एक ब्रांच से 10 असाइनमेंट मिल जाए, तो आप अच्छा खासा इसमें पैसा बना सकते हो, 25-30 हज़ार 2 दिन के मिल जाएंगे आपको। तो अपॉइंट किया। अब ये जो सीए फर्म है इसका एम्प्लॉय जाता है वहां पे, और वहां पे बोलता है कि देख तेरे यहां पे गड़बड़ है चीजें, मैं क्लीन रिपोर्ट दूंगा, मैं तेरी स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट क्लीन दूंगा। किसको बोल रहा है? बोरोअर को। अगर तू तेरा स्टैट्यूटरी ऑडिट मुझे दे दे, हमारी फर्म को दे दे बेसिकली। वाह, गए थे स्टॉक ऑडिट करने ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक और खुद के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट निकालने की कोशिश है, वाह बेटा वाह। तो एक फर्म है एमएनपीएन कंपनी, उन्होंने स्टॉक ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया एक बंदे को, और जो सीए एम्प्लॉय है वो सॉलिसिट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, क्या अप्रोच सही है क्या, ठीक है, वेदर दिस अप्रोच इज करेक्ट, वेदर अप्रोच अप्रोप्रिएट। अच्छा यहां पे ध्यान देना, जब तक सीए एक्ट 1949 प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में ना बोले, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व एज पर स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको सॉल्व करना है, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना, बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दिस, नहीं तो यहां पे जबरदस्ती आप प्रोफेशनल एथिक्स को लगा दोगे, वापस एसक्यूसी 1 का पूरा रेफरेंस दोगे, अनएथिकल एक्टिविटी चल रही है, अनएथिकल एक्टिविटी चल रही है, प्रिंसिपल्स की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, हम इंडिपेंडेंटली अनबायस तरीके से हम काम ही नहीं कर पाएंगे, धज्जिया उड़ा रहे पूरे, केयरफुली काम करना है, हम केयरफुली काम ही नहीं कर, हम मतलब यहां पे अनएथिकल माहौल चल रहा है पूरा का पूरा, अनएथिकल माहौल चल रहा है, स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट हम गलत करने की बात कर रहे हैं, स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट गलत करने की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मतलब इंटीग्रिटी से हाथ धो रहे, एथिकल रिक्वायरमेंट से हाथ धो रहे, इंटीग्रिटी से हाथ धोया जा रहा है, एथिकल रिक्वायरमेंट से हाथ धोया जा रहा है, झूठी रिपोर्ट देने के लिए बोल रहे हैं। आपको एथिकल रिक्वायरमेंट हम पढ़कर आए थे SQC.100 करके जो कॉन्सेप्ट है कि पॉलिसीज होनी चाहिए, एथिकल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते, इंडिपेंडेंस के बारे में हम लोग बात करते वहां पर, अगर आपको याद आ रहा है, एथिकल एथिक्स के बारे में बात की, इंडिपेंडेंस के बारे में बात की, वो पूरा समझाना है और बोलना है कंक्लूजन, नो प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू मेंटेन एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस। इसका साफ साफ बात है कि सीए फॉर्म में गड़बड़ है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं है, एथिकल माहौल बनाने के लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर्स नहीं है, उसको कुछ भी अवेयर नहीं एथिक्स और इंडिपेंडेंस के बारे में, ये ब्रीच ऑफ कोड ऑफ एथिक्स है, एडवाइस टू नॉट मेक सच अनएथिकल ऑफर्स, ऐसे रिपोर्ट झूठी रिपोर्ट बोलने के ऑथर्स को ऑथर्स एक्सेप्ट ना करें। तो एक में आपको लीडरशिप के पॉइंट समझाने थे, एक में एथिकल एनवायरमेंट बचा के रखना है उसके पॉइंट आपको समझाने। मैं आपको बता रहा हूं न्यू कोर्स में मॉड्यूल के क्वेश्चन से आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है, एक्सट्रीमली हाई चांसेस दैट मॉड्यूल से चीजें उतरे, एक्सट्रीमली हाई चांसेस मॉड्यूल से चीजें उतर उतर के आए, और मैं आपको एनालिटिकल तरीकों से पढ़ा रहा हूं कैसे केसेस आ सकते हैं, कैसे सोचना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, और मर्ज करके उनको बता रहा हूं मैं। पहले एक सोशल फंक्शन में मिलता है, मिस्टर सीए जो एक सोशल फंक्शन में एक बंदे से मिलता है, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से, ठीक है, कहीं भी मिल सकते क्लाइंट,
रिसेंट उसके ऊपर ईडी रेड्स हो रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ह्यूज कैश मिल रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग भी रेड मार रहे हैं, सामने वाला ऑफर करता है 5 फैमिली ओन फर्म्स का पूरा टैक्स ऑडिट संभाल लो बोलते हैं, अच्छी खासी फीस दूंगा। बेसिकली सामने वाला बंदा दोगला बंदा है, अनएथिकल बंदा है, इंटीग्रिटी इश्यूज, बस यही पे दिक्कत हो जाती है फाइनल लेवल पे, कौन से क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट डालना है। और Q&A प्रैक्टिस थोड़ा कॉन्सेप्चुअली डिस्कशन ओरिएंटेड अगर आपने पढ़ा है और आपने Q&A प्रैक्टिस कहां पे क्या लगेगा जो सब यही पढ़ कर रहे हम लोग, लेकिन यहां पे आपको ये देखना था कि भाई साहब जो बैकग्राउंड ठीक है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी वाली बात बतानी है पहले पूरी की पूरी, वापस SQC 1 कॉन्सेप्ट में इंटीग्रिटी कौन से फैक्टर्स होते हैं इंटीग्रिटी देखने के लिए, ठीक है वहां पे हमने शॉर्टकट भी दिया था, सर की इंटीग्रिटी SAR, सर की इंटीग्रिटी SAR, सर की इंटीग्रिटी, सर के इंटीग्रिटी वाले पॉइंट्स बताने आपको यहां पे कि भैया सामने वाला इंटीग्रिटी वाला नहीं है, क्लाइंट के इंटीग्रिटी इश्यूज है, मनी लॉन्ड्रिंग में बंदा इन्वॉल्व है, गलत काम में इन्वॉल्व है, ठीक है शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर सामने वाला पूरा प्रायश्चित करने को तैयार है, अपने गुनाहों को मानने को तैयार है, सब कुछ डिस्क्लोज करने को तैयार है, तो फिर हम सोच सकते हैं उसके बारे में, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं। सामने वाला बंदा एकदम टशन में चल रहा है, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है उसको बाजू में रखो, इससे जो बंदा अच्छे से आर्टिकलशिप कर लेता है ना उसको ऑडिट में कम नंबर मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि वो चाहकर भी प्रैक्टिकल चीज दिमाग में घुसी पड़ी है वहां से आंसर जनरेट करता है, हमारी किताबों में क्या लिखा हुआ है स्टैंडर्ड्स में क्या लिखा है वहां से आंसर जनरेट नहीं कर पाता वो, ठीक है। और अब ये अलग से पढ़ने में अलग मजा कि आप जोड़ रहे उसको ना, लिसन नेक्स्ट है लिस्टेड कंपनी इन फिनटेक सेक्टर, फिनटेक सेक्टर में लिस्टेड कंपनी है, कुछ इंडेक्स में दिक्कत है, एक्सपर्ट ओपिनियन CA इंस्टीट्यूट को, आपको पता है CA इंस्टीट्यूट की एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी होती है, एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी होती है CA इंस्टीट्यूट की, तो उसके पास जाओ, अगर आप एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी के पास जाते हो, इफ यू गो टू एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी, ठीक है तो वो आपको बताते हैं कि भाई कोई भी अकाउंट्स ऑडिट लॉ के मामले हैं आप उनको अप्लाई करिए और आपको एडवाइजरी देते हैं, 20-25,000 रुपए लगते हैं, होता है पॉसिबल है। तो फिनटेक कंपनी का ऑडिट चल रहा है, वहां पे कोई दिक्कत है, कोई इंडेक्स को कैसे इंप्लीमेंट करना, कैसे इंटरप्रेट करना, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए, CA इंस्टीट्यूट से आ गया, वो इश्यू वॉज रिजॉल्व, इश्यू रिजॉल्व हो गया, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की अब जरूरत नहीं है, उनका कहना है पूरे असाइनमेंट में एक ही सबसे सिग्निफिकेंट मैटर था, एक ही सबसे सिग्निफिकेंट मैटर था, एक ही सबसे बड़ा मुद्दा था, एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट जजमेंट था, वो ऑलरेडी हम लोगों ने CA इंस्टीट्यूट से कंफर्म कर लिया, अब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाने की जरूरत नहीं है, महामहिम CA इंस्टीट्यूट ने बोल दिया, गलत बात, गलत बात। फिर आपको बताना पड़ेगा SQC 1 एप्लीकेबल है, कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होता है, क्या होता है, क्या पर्पस होता है, मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनियों में, और जहां पे फर्म का क्राइटेरिया हो कुछ वहां पर मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, दो अलग अलग मुद्दों को कंफ्यूज मत करो, एक्सपर्ट ओपिनियन आया वो इंटरप्रिटेशन को लेकर वो अलग इशू है, और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो मैंडेटरी है इट इज अ डिफरेंट इशू, सेपरेट है, ये सेपरेट रिक्वायरमेंट है, CA इंस्टीट्यूट ने आपको ओपिनियन दिया भी होगा फिर भी रिव्यू तो करवाना ही पड़ेगा, करवाना ही करवाना पड़ेगा रिव्यू, 100% आपको रिव्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है गाइस टेक माय, मैं ये सारे के सारे नए केसेस है, सारे के सारे नए केसेस है, ऑल दीज केसेस आर न्यू, पहले ये नहीं थे, ये नहीं थे, इसलिए इनके तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा, इंस्टीट्यूट ने अपना जो पूरा पिटारा है वो सामने रख दिया है, मतलब पुराने क्वेश्चंस रिपीट नहीं मारे यहां पे, ये बहुत एक अच्छी, मतलब मैं तो बहुत खुश होता हूं नए नए क्वेश्चंस मिल गए, तो एक बार क्वेश्चन देखा हुआ ना दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है। देखिए ये हम डिस्कस करके आए, डजंट मेक सेंस कि हम वापस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस पॉइंट्स। फिर RSTN कंपनी फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हेवी मशीनरी बना रहे, ऑडिटर्स है, हेवी मशीनरी काम कर रहे हैं, कार रिपोर्ट जनरली रेगुलर इन डिपॉजिटिंग, कार रिपोर्ट आपको बताओ, कार रिपोर्ट में एक पॉइंट आता है,
कारो रिपोर्ट में एक पॉइंट आता है कि स्टैच्यूटरी ड्यूज पे कमेंट करना पड़ता है, स्टैच्यूटरी ड्यूज पे कमेंट करना पड़ता है, स्टैच्यूटरी ड्यूज पे कमेंट करना पड़ता है, स्टैच्यूटरी ड्यूज पे रिपोर्ट करना पड़ता है कि भाई स्टैच्यूटरी ड्यूज आप रेगुलरली पे कर रहे हो ना, कोई अनडिस्प्यूटेड स्टैच्यूटरी ड्यू है क्या विच आउटस्टैंडिंग मोर देन सिक्स मंथ्स, पढ़ेंगे हम लोग कारो में, आपने थोड़ा इंटर का भी आपको थोड़ा बहुत याद होगा, करना पड़ता है। तो बोले जनरली बराबर कर रहे हैं। अब यहां पर दिक्कत यहां पर ऐसा है कि कुछ बातें उन्होंने अज्यूम कर ली, उन्होंने बोल दिया कि ये क्वालिटी रिपोर्टिंग नहीं है, दिस दे हैव अज्यूम्ड कि स्टैच्यूटरी चीजों को लेकर एक मतलब कंपनी के अंदर स्टैच्यूटरी, ये अजम्पशन मारा है उन्होंने। अब आपको इसलिए कभी कभी वाहियात तरीके से मतलब अजम्पशन मारा है कि देखो जनरली रेगुलर ये कोई गलत वर्ड नहीं है, जनरली रेगुलर इन डिपॉजिटिंग स्टैच्यूटरी ये कोई गलत वर्ड नहीं है, मतलब अगर एक हाथ दो डिले हुए तो हम वर्ड यूज करते हैं जनरली रेगुलर इन डिपॉजिटिंग स्टैच्यूटरी ड्यूज, ऐसा वर्ड यूज किया जाता है, कोई गलत नहीं है। इन्होंने अज्यूम कर लिया कंपनी के अंदर स्टैच्यूटरी ड्यूज के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लंबे समय से बहुत सारे बहुत हेवी डिले हुए हैं, हेवी प्रॉब्लम्स है, हेवी आउटस्टैंडिंग है, डिफॉल्ट्स है बहुत बड़े बड़े, और वो कारो रिपोर्ट में नहीं बताया गया, कारो रिपोर्ट में नहीं बताया गया। तो बेसिकली जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसने कारो रिपोर्ट बराबर नहीं बनवाई है, नहीं बनाई है, एंगेजमेंट पार्टनर ने रिपोर्टिंग बराबर नहीं की है, दैट इज द मेन इश्यू, एंगेजमेंट पार्टनर इज नॉट मेकिंग प्रॉपर रिपोर्ट। जब देखो फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, फर्म ने ऐसा करना चाहिए क्या, फर्म ने वैसा करना चाहिए क्या, आखिरी रिपोर्ट एंगेजमेंट पार्टनर बनाता है, सर हमको कैसे समझेगा। और एक मैं बता दूं, थोड़ा भी कंफ्यूजन होना, एसक्यूसी 1 लगाना कि एसए 2 लगाना, दोनों लिख दो, एब्सोल्युटली फाइन, सारी बातें सेम है, जब भी कंफ्यूजन हो तो दोनों लिख दो बिंदास। आपको यहां पे बताना है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी मैटर कि एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है क्वालिटी मेंटेन करने की, सिस्टम्स को लाके क्वालिटी पूरा कंप्लायंस और अच्छी रिपोर्ट बने, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है। केस डिस्कशन में क्वालिटी रिपोर्ट नहीं बन रही है, क्वालिटी रिपोर्ट नहीं बन रही है, रिपोर्ट इज इम्प्रॉपर, क्वालिटी रिपोर्ट नहीं बन रही है, रिपोर्ट इज इम्प्रॉपर, इट इज नॉट क्वालिटेटिव, डज नॉट कंप्लाई विद रेगुलर लॉ रेगुलेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, रिपोर्ट बराबर नहीं बन रही है, ठीक है, मतलब ऐसे टूटने का कंप्लायंस नहीं है। अगर क्वालिटी रिपोर्ट की क्वालिटी में दिक्कत है, कारो रिपोर्टिंग के अंदर दिक्कत है, कारो रिपोर्टिंग के अंदर दिक्कत है, तो भैया आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी एसए 220 के अंदर। तो देखो फर्म लेवल पे चीजें गलत हुई तो एसक्यूसी था, जब रिपोर्ट गलत हो रही है आखिरी में जाकर तो एसए 220 को लेकर है कि रिपोर्ट गलत हो रही है, ठीक है। और मैं फिर आपको बता रहा हूं यहां पे प्रोफेशनल एथिक्स के एंगल से आंसर देने की जरूरत नहीं, सर मैं रेफरेंस दे दूं कि हम पढ़कर रहे हैं प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर, अगर रिपोर्ट में गलत चीजें हैं फिर भी आपने रिपोर्ट नहीं किया, ओमिशन है आपने रिपोर्ट नहीं किया, क्लॉस 5 में मिसकंडक्ट, गलतियां रिपोर्ट नहीं किया मिसकंडक्ट, निग्लिजेंस था साथ में मिसकंडक्ट, ठीक है, ऑडिट बराबर नहीं किया 9 में मिसकंडक्ट, बिल्कुल नहीं बच्चों, डोंट अननेसेसरली, सुनो मैं आपको और एक बार बता दूं, एक ही जगह पे मल्टीपल चीजें लगना, ठीक है, जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 90% क्वेश्चंस, ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा जो मल्टीपल चीजें लगती है ना, रहते 5% है लेकिन बच्चों को ऐसा फील आता है 100% क्वेश्चन ऐसे ही है क्या, जबरदस्ती मत लगाओ, अगर आपको क्लिक हो गया यार ये ऐसा ऐसा है तो सीधा वही लगाओ ना यार, हाँ आखिरी में आपने रेफरेंस दे दिया रेफरेंस, लेकिन जब तक पूछा ना जाए प्रोफेशनल के बारे में उसके हिसाब से जवाब मत दो, डोंट डू दैट। फिर इसके बाद में क्वेश्चंस है, क्विकली 3-4 फटाफट क्वेश्चंस है आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, और एक भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो हम पढ़कर आए पूरा बस उसी के ऊपर है, देयर इज नथिंग न्यू इन इट। लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर्स है, रिलेटेड पार्टी में एक इश्यू आ गया है, चैलेंज आ गया है, कंसल्ट करना चाहता है, वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, एंगेजमेंट पार्टनर वॉन्ट्स टू कंसल्ट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, हम पढ़कर आए, रिव्यूअर नॉन टीम मेंबर होना चाहिए, एक्सटर्नल बंदा होना चाहिए, टीम का बंदा नहीं होना चाहिए, उसने पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, चार्ट अकाउंटेंट होना चाहिए, फर्म का फर्म के बाहर का बंदा भी हो सकता है, क्या उससे कंसल्टेशन हो सकते हैं, यस कंसल्टेशन इज पॉसिबल, लेकिन इतना ना हो कि वो टीम का पार्ट बन जाए, टीम का बंदा बन जाए, तो हम पूरा लूज कर देंगे, फिर आपको इतना भी याद होगा तो आप रिव्यूअर चेंज कर दो या फिर किसी और से कंसल्टेशन लो, ज्यादा प्रॉब्लम है। तो यहां पे आपको बताना था कि बॉस ही कैनॉट पार्टिसिपेट इन ऑडिट, ही कैनॉट पार्टिसिपेट इन ऑडिट, बट ही कंसल्टेशन, एक लिमिटेड लेवल का कंसल्टेशन, पॉलिसीज है
कि भाई कितना कंसल्टेशन हो सकता है उसके बारे में गाइडेंस है, उतना चलता है। एसक्यूसी वन का रेफरेंस देंगे आप वापस, एसक्यूसी वन का रेफरेंस कॉन्सेप्ट, हु कैन बिकम रिव्यूअर, ये हम कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, हु कैन बिकम रिव्यूअर ये डिस्कस करके आए थे हम लोग। इंप्लीमेंटेशन गाइज, इंप्लीमेंटेशन, हु कैन बिकम रिव्यूअर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चंस बना बनाकर आपको और मैं प्रैक्टिस करवाता रहूं, लेकिन ये तो जो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है गाइस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हु कैन बिकम रिव्यूअर में आपको बताना है, पार्टिसिपेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, ही शुड नॉट बी अ टीम मेंबर, नो पार्टिसिपेशन, बट कंसल्टेशन, पार्टिसिपेशन में अगर वो खुद डिसीजन ले रहा है, डिसीजन को इंप्लीमेंट कर रहा है, उसको पार्टिसिपेशन बोलते हैं, उससे सिर्फ बातचीत कर रहा है, एडवाइजरी ले रहा है, तो उसको हम कंसल्टेशन बोलते हैं। कंसल्टेशन एक लिमिटेड होना चाहिए, रिव्यूअर अनबायस्ड होना चाहिए, इसलिए उसका पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं है, डिसीजन मेकिंग अलाउड नहीं है, कंसल्टेशन हो सकता है, मे कंसल्ट, ठीक है, लिमिटेड कंसल्टेशन इज पॉसिबल। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा केस, बहुत बढ़िया केस। अगर मैं बात करता हूं फिर नेक्स्ट इज, ठीक है, कंपाइलेशन रिपोर्ट, एक कंपनी ने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना कर दो, डस सीएफएम हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की जिम्मेदारी है क्या? कंपाइलेशन असाइनमेंट मतलब रिलेटेड सर्विसेस, कंपाइलेशन असाइनमेंट मतलब रिलेटेड सर्विसेस, रिलेटेड सर्विसेस में आता है तो उसको एसक्यूसी वन लगता है, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लगता है। फिर एसक्यूसी वन का रेफरेंस दो, उसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करो, उसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करो, एप्लीकेबिलिटी में वो सभी तरह के अश्योरेंस और रिलेटेड असाइनमेंट्स को लगता है, सभी तरह के अश्योरेंस और रिलेटेड असाइनमेंट्स में लगता है। अगर सभी तरह के अश्योरेंस और रिलेटेड असाइनमेंट्स में वो लगता है, ठीक है, तो कंपाइलेशन असाइनमेंट में भी एसक्यूसी वन के अंदर जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की, वो सब लगेगी, सारी के सारी लगेगी, ये उसका कंक्लूजन है, ठीक है। फिर रामानुजन का व्यू पॉइंट है कि एंगेजमेंट फाइल शुड बी रेडी बिफोर इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, ये जो फाइल है ये, ठीक है, जो लोग बाद में देख रहे हैं उनके यहां पे तो नोट्स होंगे, बट आपके क्वेश्चन बैंक वाले फोल्डर में डाली हुई है, क्वेश्चन बैंक वाले फोल्डर के अंदर ये डाली हुई है। एंगेजमेंट फाइल का कंप्लीशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट का कंप्लीशन होना चाहिए, उसकी पूरी असेंबली होनी चाहिए, उसका पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए रिपोर्ट इशू करने से पहले, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। इट शुड बी 60 डेज, सिर्फ वही पॉइंट एक्सप्लेन करना है, ऐसा मैंने लिखा भी है, बस वही पॉइंट। फिर एसक्यूसी वन का रेफरेंस कॉन्सेप्ट, केस डिस्कशन, कंक्लूजन, 60 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, उसमें मल्टीपल रिपोर्ट होंगी तो हर रिपोर्ट से 60 डेज आपको मिलते हैं, हर रिपोर्ट से 60 डेज आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर आगे यहां पे एक लिस्टेड कंपनी है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया 115 लग रहा है। एंगेजमेंट पार्टनर टुक अ स्टैंड, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू मेड सम अदर रिकमेंडेशन। एंगेजमेंट पार्टनर टुक अ स्टैंड मेड सम अदर, ठीक है, लेकिन रिव्यूअर ने कुछ और बोला, तो बेसिकली एंगेजमेंट पार्टनर और जो रिव्यूअर है आपस में उनका बन नहीं रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये वर्ड यूज नहीं करेंगे वो, आपको क्लिक होना चाहिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है यहां पे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। फिर एसक्यूसी वन का रेफरेंस आप देंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप समझाएंगे, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसको रिजॉल्व करना है साइन करने से पहले, उसके तरीके होते हैं, उसके बाद तभी हम क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे। केस का कॉन्सेप्ट नंबर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको समझाना है और कंक्लूजन, ठीक है। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। यहां पे आप ऐसे 220 का भी रेफरेंस दे सकते हो, मैं आपको बताऊं जहां पर भी कंफ्यूजन हो, एसक्यूसी वन ऐसे 220 दोनों का रेफरेंस, एज पर एसक्यूसी वन नाम, एज पर ऐसे 220 नाम, दोनों का रेफरेंस देके आप चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इज अ 7-year-old पार्टनरशिप फर्म, 7 साल हो गए, न्यू क्लाइंट्स ऑफर्ड विद द एग्जिस्टिंग, नेसेसरी इंफॉर्मेशन लेना चाहिए असाइनमेंट एक्सेप्ट करने से पहले,
क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से हमने चलना चाहिए, इंटीग्रिटी के बारे में थोड़ा गाइड करो, 7 साल हम चल रहे हैं, नए नए असाइनमेंट आ रहे हैं, इंटीग्रिटी कैसे चेक करना, इंटीग्रिटी कैसे, ये तो थ्योरी क्वेश्चन है, जबरदस्ती केस, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी, मतलब अल्टीमेटली आप यहां पे देखोगे, मतलब केस का फील है, ठीक है, केस डाला हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली बेसिकली एक फर्म है और बहुत सारे असाइनमेंट आ रहे हैं, इंटीग्रिटी कैसे चेक करोगे, इंटीग्रिटी आप कैसे चेक करोगे, इस फुल नेम एसक्यूसी 1 का डालो, कॉन्सेप्ट असेसिंग इंटीग्रिटी, सर की इंटीग्रिटी, वहां पे शॉर्टकट था सर, एस ए आर, सर की इंटीग्रिटी, ठीक है, स्कोप एंड लीगैलिटी, अकाउंटिंग की तरफ एटीट्यूड, फीस, ठीक है, पॉइंट्स अगर आपको थोड़े थोड़े बहुत ज्यादा नहीं, और देखो एक ही तरीका है, बार बार आप रिवाइज, जितना आप रिवाइज करते जाएंगे 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 उतना बेहतर बनता जाएगा. कंक्लूजन, शुड कंसिडर अबव पॉइंट्स फॉर इंटीग्रिटी, अबव पॉइंट्स को कंसिडर करो, दैट्स इट, ठीक है.